पुलवामा के गदूरा इलाके में आतंकियों ने मजदूरों पर ग्रेनेड फेंक दिया। इस घटना में बिहार के रहने वाले एक मजदूर की मौत हो गई है और दो घायल हो गए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर दी है। मरने वाले की पहचान बिहार के पारस में मोहम्मद मुमताज के रूप में हुई है। बिहार के रामपुर के पिता पुत्र मोहम्मद आरिफ और मोहम्मद मजबूल दोनों घायल हो गए हैं। दोनों की हालत स्थिर है। आतंकियों ने जिन मजदूरों पर हमला किया वो गदूरा गांव में एक टेंट हाउस में काम कर रहे थे। हमले के वक्त ये सभी मजदूर बिस्तर बनाने का काम कर रहे थे। पिछले दो महीनों से घाटी में आतंकियों का एनकाउंटर होता रहा है, जिसके चलते टारगेट किलिंग की घटनाएं नहीं हुई है। गुरुवार रात हुए इस हमले से आतंकी प्रक्रिया फिर से सक्रिय हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।